जनपद मैनपुरी से, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी के मेयंग गार्डन में आयोजित दिनेश प्रधान की बहन की शादी में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल लाचार हो चुकी है, अधिकारियों पर कोई भी अंकुश नहीं रहा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में रेप जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। प्रदेश सरकार नए नए कानून तो बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से नोटबंदी हुई है और जीएसटी लगा है और पूरे देश में आर्थिक मंदी हुई है, जिससे पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने नए बिल को लेकर कहा कि हमें तो संस्कार विरासत में मिली है, यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उसका शरण देने की हमारी परंपरा रही है, क्योंकि हमारा देश समस्त धर्मों का देश है, सभी को एक समान देखते हैं। लेकिन बीजेपी ने देश के लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया है। एक मुसलमानों के साथ साथ सभी धर्मों को भी जोड़ लिया जाता है, क्योंकि वह भी हमारे देश का नागरिक है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नीतियों के चलते कहा कि हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। भाजपा सरकार की नीतियों से हर वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर गरीब लोगों को इस प्रकार से शोषण होता रहा तो जनता एक बार फिर से फैसला लेने पर मजबूर हो जाएगी। देखिए जनपद मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की विशेष रिपोर्ट। अरे करोड़ मंत्री जी, उन्नाव रेप कांड के बाद लगातार जो है महिलाओं से जुड़े कई मामले सामने आ गए, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर? देखिए पूरे प्रदेश में कोई अधिकारियों पर, कहीं प्रशासन पर, कहीं पर भी अंकुश नहीं है सरकार का, तो उसकी वजह से रेप जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए कानून तो बनाते चले जा रहे हैं, कानून तो पहले भी थे सजा देने के लिए, लेकिन उस कानून का पालन नहीं हो पा रहा है। अब निरंकुश हो गए हैं यहाँ के प्रदेश के अधिकारी, वो न्याय नहीं देते। एक तो ये कारण है। दूसरा देखिए, प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब से नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी लगा और फिर आर्थिक मंदी पूरे देश में आर्थिक मंदी, उसकी वजह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, और जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं अब उनके पास कोई काम ही नहीं है। जब कहीं पर भी काम नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, तो फिर जब बेरोजगार लोग हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, भुखमरी की कगार पर हैं लोग, तो उसकी वजह से लाइन आर्डर खराब होता ही चला जा रहा है। जब आदमी बेरोजगार रहता है, कोई काम नहीं होता है, आर्थिक मंदी इतनी है, महंगाई इतनी है, तो उसकी वजह से अब देख ही होगा आपने, तो महंगाई के कारण तो परेशान है। उसके बाद आपने देखा होगा तो रेट, देखिए बिजली पे दो बार रेट बढ़े, और पता लगा लेना पड़ोस में जो मध्य प्रदेश है उसमें पर यूनिट कितना पैसा और यहाँ पर कितना पैसा है, और दो बार एक साल में बिजली पर रेट बढ़े हैं, खाद पर रेट बढ़े हैं, हर चीज़ पे तो रेट बढ़ा है। और किसान के अभी आपने देखा होगा, धान की फसल तैयार हुई तो मंडी में समर्थन मूल्य था धान का 1800 कुछ, और यहाँ ले रहे थे 1000, 1100, 1200, इससे ज़्यादा किसान को नहीं मिला। योगी जी ने तो ये भी कारण है। और जैसे ही मंडी में किसान अपनी फसल को लाता है तो उससे तो किसान को तो ज़रूरत पड़ती है तुरंत बाज़ार करने का, शादियाँ हैं, कपड़े भी खरीदना है, काम भी करना है, बहुत सी चीज़ें खरीदना है। योगी जी ने मंत्री जी एंटी रोमियो का पूरा हो जाने, अभी हमारा पूरा हो जाने दो, हाँ तो ये इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए हर तरह रेट बढ़ता चला जा रहा है, गवर्नमेंट भ्रष्टाचार तो इतना है थानों में, तहसीलों में, अभी रिपोर्ट लिखाने जाइए, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी बिना पैसे के, यहाँ तक कि पीड़ित
पीड़ित लोग भी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, उन पर भी पैसा लिया जाता है, फिर बचाने का पैसा लिया जाता है और पीड़ित को फिर न्याय नहीं मिलता है। जिसने अन्याय किया है वो रिश्वत दे करके पीड़ित की फिर कोई सुनवाई नहीं, पैसे की वजह से, रिश्वत की वजह से। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है पूरे प्रदेश में। अभी जो योगी जी ने एंटी रोमियो स्टेट की गठन किया था, लेकिन बावजूद बीच में बंद हो गई और छेड़खानी के मामले काफी बढ़ने लगे, और दोबारा से योगी जी ने अभी हाल में ही घोषणा की है कि दोबारा से एंटी रोमियो स्क्वाड दोबारा से फिर सक्रिय हो गया, तो क्या कहेंगे इसको? बीच में बंद कर दिया, पहले शुरू किया, बीच में बंद किया, फिर आखिर क्यों इसकी दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी योगी जी को? देखिए, कानून तो बनाते चले जा रहे हैं लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसे रोक नहीं पा रहे, तो फेलियर गवर्नमेंट, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, इकबाल पूरा, देखिए सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, सरकारें हमेशा इकबाल से चलती हैं, तो यहाँ पर इकबाल है ही नहीं, योगी जी का इकबाल है नहीं, किसी का है नहीं, किसी मंत्री का है नहीं, कोई इकबाल है नहीं। तो कानून रोज बदलते हैं, अब देखो एक कानून और आ गया है जिस पर भी कट्टा पकड़ा जाएगा। अब आपको पता ही होगा कि कट्टा ज़्यादातर जब कोई आदमी है उसे कानून पकड़ जाता तो उसे पट्टा लगा देते थे जी, पुलिस लगाती थी जी, जी, है? जी। अब तो पुलिस की रिश्वत इतनी बढ़ जाएगी उस कट्टा लगाने पर, लाखों रुपया मिलेंगे, नहीं भी होगा तब भी लगा देते, तब भी लगाते, तब भी लगा देते हैं ना, कट्टा तो कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था करते हैं, लगा देते हैं। अब तो सजा होगी कट्टा पर, आजीवन सजा होगी। अभी तो बीजेपी ने सर एक बिल पास किया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश की हमेशा, हमें तो संस्कार विरासत में मिला है, अगर कहीं पर भी कहीं कोई पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, तो उसको शरण देने की ये परंपरा हमेशा रही है। अगर हमारे देश का कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, अगर कहीं पर भी है, अगर आता है, तो हमारी तो परंपरा रही, परंपरा रही। और यहाँ तो देखिए, हमारा देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर सम्मान, एक समान, सब अपने अपने काम करते हैं, कोई भी धर्म अपना अपना सकता है। और यहाँ पर देखिए, अगर मुसलमान को भी जोड़ लिया जाता उसमें, मुसलमान भी हमारे देश का अगर कहीं है तो जितने भी इस तरीके के लोग हैं उन्हें और जोड़ लेते, जोड़ लेना चाहिए था। तो ये धर्म जात की भी जो है ना वो करती है बीजेपी? हाँ, देखिए देश में जब हमारा धर्म निरपेक्ष देश है तो सबको समान अधिकार, सबको समान अधिकार है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, तो और लोग जोड़ लेते, सभी जितने भी हैं समाज के लोग जोड़ लेते हैं। फिर तो नहीं, तो फिर हमारा देश जो सेकुलर है, फिर सेकुलर कहाँ, तो फिर तो सेकुलर अपना हटा दे। क्या लगता अगर, है भाजपा की नीतियों के चलते क्या गृह युद्ध हो जाएगा, घर घर में युद्ध होने लगे क्या? देखिए, मुझे तो ये लगता है अगर इसी तरीके से उपेक्षित होती रही, उपेक्षा होती रही, शोषित पीड़ित और इन लोगों की उपेक्षा होती रही, तो हमारा देश फिर गुलामी की ओर, जिस तरीके से आपको पता है आज़ादी से पहले 200 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी तरीके से तो कब्जा हुआ था जी। और आज पूरे देश में जो मंदी है, आर्थिक मंदी जो देश में है, आर्थिक मंदी की वजह से यहाँ पर कितनी परेशानी है, यहाँ तक कि बैंकों पर जब से जीएसटी लगा है, नोटबंदी हुई है, तब से हर रोजगार ख़त्म हो गया, व्यापार ख़त्म हो गया, हर व्यक्ति परेशान हो गया है, यहाँ तक कि बैंकों पर भी विश्वास उठ गया है, तुम्हारा पैसा जमा, अपना पैसा जमा, तो पैसा निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, अगर निकाला तो नोटिस मिलेगा। अब 50,000 1,00,000 में कौन सी बिजनेस चलेगी,
नहीं चल सकती। तो क्या लगता है कि तो हमारा देश गुलामी की ओर इसी तरीके से रहा तो गुलामी की ओर चला जाएगा। तो क्या लगता है कि भाजपा अगर जो आगामी 5 वर्षों में फिर सरकार बनाएगी तो किस तरह का देश रहेगा? मुझे तो लगता है अगर इसी तरीके से कानून और ये जो बनते रहे तो फिर देश की जनता फिर सोचेगी और सोच के बाद फिर बदलने में भी देर नहीं करती है। तो जनता को खड़ा हो जाना चाहिए। अगर इस तरीके से जो देश में आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और लगातार शोषण होते ही चला जा रहा है जनता का, किसानों का, गरीबों का, तो जब होता चला रहा तो पूरी जनता को फिर खड़ा हो करके फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के फिर पूरी लड़ाई फिर लड़ी जाएगी और फिर जनता को खड़ा हो जाना चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।